मेरठ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि नौचंदी थाना इलाके में बदमाश एक बंद मकान में चोरी करने घुसे थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। एक घटना हुई है शास्त्री नगर में, चोरों से सीधी मुठभेड़ हुई है। क्या पूरी घटनाक्रम अब तक सामने है? सेक्टरों में एक मकान बंद था, ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे। आज जब उसमें छटपट की आवाज़ आई तो पड़ोसियों ने वहाँ पर जाके देखा तो उनको लगा कि उसमें कुछ लोग हैं, उन्होंने गेट बंद कर लिया और अंदर जो बदमाश थे वो आ गए। उनके पास तमंचा था, फिर थाना प्रभारी नौचंदी आ गए और पूरे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का सहयोग इनको भरपूर मिला और इन्होंने फिर बदमाशों को जब पकड़ने की कोशिश किया। हल्द्वानी की बात करते हैं, जहाँ हल्द्वानी कालाडूंगी रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में जमकर ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है। ये सब आबकारी विभाग के अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है, इस कारण वे शराब दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आपको बता दें कि यहाँ शराब की दुकानें आबकारी विभाग की मिलीभगत से निर्धारित समय से पहले ही खुलती हैं और बंद भी होती हैं। अन्य गणमान्य लोगों के साथ बात की गई, लोगों द्वारा अपनी समस्या बताई गई, हमारे द्वारा उनको जो कुछ चीज़ें हैं वो बताई गई है। आपस में एक दूसरे के सहयोग की बातें हुई है। बहुत से में लोगों को बताया गया कि अपने घरों में लाइट जला के रखें, कोई भारी व्यक्ति आता है उसका सत्यापन जरूर कराएं और अपने घरों का जो बच्चे हैं उनको, जो है नाबालिग बच्चे, उनको गाड़ी न दें, इस बारे में बताया गया है और इसी बारे में मीटिंग की गई। लोगों द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि इसमें हम लोग सहयोग करेंगे और पुलिस का काम जनता के सहयोग से ही चलता है, यही सब लोगों ने आज यहाँ पर बताया। बहुत खराब मिल रहा है ये, कई बार मतलब और किसी को परेशान भी कर रहे हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है। जो समझाने जाता तो उसी में उल्टा सीधा बोलते हैं, पत्रकारों से भी लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं कई बार, और इससे कई लोगों को परेशानी भी हो रही है इससे। कितने रुपये ओवर रेट लेते हैं सर? ये रेट से बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर 20-50 की जो हाथ तक रहा बच्चे मन मर ही चल रही है। अभी तक कितने लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं ऐसे? उसके बाद झगड़ा है इनका, लगभग लगभग रोज कभी होता ही रहता है झगड़ा, हफ्ते 10 दिन में झगड़ा होता ही रहता है। आपसे कितने लिए गए आपने क्वार्टर खरीदा तो? मेरे से उन्होंने 80 वाला क्वार्टर 150 का लिया है। पीलीभीत में एक बाघ का आतंक जारी है। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक बाघ ने आकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को आनंद फानंद में पूरनपुर CHC ले जाया गया, जहां गंभीर लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसी टाइम पे जाके हमला किया वो। अच्छा। पहले एक आदमी को, एक बच्चे को पहले हमला किया। हाँ। बच्चा तो बच गया, एक आदमी उसको बचाने के लिए गया। हाँ। पहले उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। उसके बाद गांव वाले मतलब बचाने के लिए पहुंचे, तो बचाने के लिए पहुंचे, वहां पे एक एक करके सबको मारा। अच्छा। कम से कम 10 लोगों को मारा है। अच्छा। वहां पे पुलिस बहुत लेट पहुंची। अच्छा, आपने जानकारी दी थी। पुल पे बैठे, वन विभाग नहर के पुल पे जाके बैठे हैं। लगभग कितने लोग घायल हुए? 10 लोग घायल हुए कम से कम, मेरा खुद का भाई घायल हुआ है। अच्छा, किस जगह घटना है, किस जगह की घटना है? मटेना कॉलोनी नंबर 4 से लेकर मटेना कॉलोनी नंबर 2 तक, जिला घुंचाई क्षेत्र में पड़ती है। हाँ। यूपी के बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां खुर्जा में मामूली कहासुनी के चलते 3 युवक ने ऑटो संचालक को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। खून से लथपथ शाहरुख को गंभीर हालत में पहले खुर्जा के सरकारी अस्पताल और बाद में अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हीरकानी में रहते हैं। क्या मामला था आपके लड़के के साथ? मेरा लड़का टीवी चला कर आया था, ये घर पे से बुला कर रोटी खाते को ले गए। कौन कौन लोग ले गए? ये नाम तो इनके याद ना मेरे। क्या लोग थे? 3 लोग थे। फिर क्या करा था आपके लड़के के साथ? लड़के के साथ में वहाँ ले जाकर छुरी नाड़ में मारी, पेट में मारी, पाँव में मारी, सब तरह में मार के ऐसे हाथ मरा करके वहीं छोड़ गए। अब क्या मैम, अब लड़के की कैसी तबीयत है आपकी? अभी सीरियस है। कहाँ पर है वो? अलीगढ़ है। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई इस मामले में? रात करा दी तीनों के नाम की, तीनों बंद उठवा दिए रात ही। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया? तीनों को गिरफ्तार कर रखा। क्या नाम है आपके लड़के का? शाहरुख खान। रामपुर के गाँव मदारपुर में पिछले 14 दिनों से दंगल प्रतियोगिता चल रही है,
जिसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपना जौहर दिखा रहे हैं। हर रोज कई कुश्तियां हो रही हैं और विजेताओं को इनाम भी दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 28 जुलाई को प्रतियोगिता का आखिर दिन है। आज का दंगल चल रहा है, दंगल में आज कौन जीता कौन हारा? पहलवान जीता, पहलवानी हार में होती नहीं है, जीत होती है। और हार से यदि हार से डरोगे तो जीवन में कभी जीत नहीं पाओगे, इसलिए हार से डरना नहीं है। खिलाड़ी का एक श्रृंगार है हार और जीत, तो कीड़ावर्ती इसी उद्देश्य को लेके चले है। कीड़ावर्ती का उद्देश्य है प्रत्येक घर से एक खिलाड़ी तैयार हो। इस प्रकार चीन में यदि खिलाड़ी 2500 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा तो खेल की दुनिया से नाम काट दिया जाएगा और वो कहीं भी किसी भी स्थान पर खेल नहीं सकता। इसलिए चीन के पदक आते हैं, गोल्डन पदक 2500, 3000, 4000 और भारत का एक पदक, उसमें संतोष करता है। अर्थात भारत में खेल नहीं है। मेरी इच्छा है क्रीड़ावर्ती के माध्यम से हर घर से एक खिलाड़ी तैयार हो, इससे हमारे खेल से भारत का नाम रोशन हो और देश महान हो।